शांति। पतित पावन दुख हरता सुख करता, ऊंचे से ऊंचा बाप। आज हम बच्चों को मुख्य रूप से दो बातों की शिक्षा दे रहे हैं। एक, याद में बैठते समय बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है, और दूसरी बात, अपने अंदर लालच के विकार को घर करने नहीं देना, इससे मुक्त होना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 2 जुलाई 2024 के मधुर महावाक्यों को। हम बच्चे शिव बाबा के पास क्यों आए हैं? याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए। कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? हबज। हमें कौन सी टेव डालनी है? याद में रहने की। बाबा हमें रोज रोज देही अभिमानी बनने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि भटकती है। दुनिया से निराला और न्यारा क्या है? हम दुनिया से निराले हैं, वैकुंठ दुनिया से न्यारा है। सारी दुनिया में कौन सा पैगाम पहुंचाना है? बाप कहते हैं मामेकम याद करो। संगम युग में बाप आकर क्या सिखलाते हैं? अब चढ़ती कला शुरू होती है। शिव बाबा कब आते हैं? जब दुनिया विकारी बन जाती। किनके पास विकार नहीं हो सकते? ईश्वर के बच्चों के पास। कौन सी बात बुद्धि में आनी चाहिए? हम कौन सा पद पाएंगे? किस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करना है? मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा की याद में रहने से क्या फायदे होते? ऊपर चढ़ते, सुखधाम जाते, सतो प्रधान बनते, समय सफल होता, सच्ची शांति मिलती, औरों को कशिश होती, अच्छा सन्नाटा हो जाता, सच्ची कमाई जमा होती। बुद्धि भटकने का क्या परिणाम होता? पाप नहीं कटते, टाइम वेस्ट होता, कमाई कम होती, सतो प्रधान नहीं बनते, याद निष्फल हो जाती, बुद्धि को भटकने की आदत पड़ जाती। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। अभी है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य, शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। सतयुग को सुखधाम कहा जाता, कलयुग को दुख धाम कहा जाता। इस समय हमको ईश्वरीय मत मिलती, संगम युग से पहले मानव मत मिलती। होशियार को टीचर कहा जाता, कम होशियार को स्टूडेंट कहा जाता। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। क्या होने से क्या होता है? झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता, तीसरा नेत्र खुलने से माया शक्तिहीन बन जाती, यथार्थ ज्ञान न होने से श्रीमत पर नहीं चल सकते, शिव बाबा की याद में भोजन बनाने से ताकत आती। धारणा क्या करनी है? झरमुई झगमुई नहीं करना, बाप के याद में भोजन खाना, ऊंच बनने का पुरुषार्थ करना, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना, बुद्धि को इधर उधर जरा भी नहीं भटकाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है, ये डायमंड युग है, इसलिए हमें इस समय की बहुत बहुत कद्र करते हुए समय को सफल करना है। झरमुई झगमुई नहीं करनी है, याद के समय अपनी बुद्धि को कहीं भटकाना नहीं है, और भोजन करते समय बाप की याद में रहकर भोजन को स्वीकार करना। ओम शांति।